नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आकांक्षा। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पे। भिवंडी शहर में चोरों का आतंक, आए दिन हो रही जगह जगह चोरियां। नदी नाका नूरानी मस्जिद के पास भी चोरों के आतंक से नागरिकों में भय का माहौल। नदी नाका स्थित नूरानी मस्जिद के पास फरीदबाग के सफीक सेठ की चाल में आए दिन हो रही चोरियां। जिससे वहां के स्थानिक लोग परेशान हैं, जिसकी शिकायत निजामपुरा पुलिस स्टेशन में की गई। बता दें कि कार्रवाई के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन करते हुए आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। कितने रूम में इतने लोग रहते हैं, 100-100 रुपया 200-200 रुपये निकालेगा तो भी सीसीटीवी फुटेज आ सकता है। कैसे आज कम चोरी हो रही है, कल बड़ा चोरी हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? तो इसके लिए 100-200 रुपये बड़ा चोरी में होता है, इज्जत के आदमी को बोलता नहीं है क्या भाई मेरे घर इतना बड़ा चोरी हुआ। वही सोचो कि अगर 100-200 रुपया आज अपना जा रहा है लेकिन वो सेफ्टी तुम्हारे लिए, कल का कोई भी बाहर का आदमी आके कुछ करेगा उसके लिए ये अच्छे तुम सीसीटीवी फुटेज देखो। क्यों, उसमें क्या होता है सामने वाला चोर भी डर जाएगा, मेरा पकड़ लेगा, इसके लिए वो कम हो जाएगा चोरी कम होगा। ऐसा नहीं है, वो आधा में आएगा। आपके घर में चोरी कब और क्या क्या हुआ इसके बारे में बताइए। ये अभी 15 दिन, 1 महीना पहले एक बैटरी गई और 3 महीना पहले एक गई रिक्शा की, दरवाजे में यहाँ खड़ी रहती रिक्शा। मैं मोहल्ले का एक बेटा हूँ, मेरा नाम है अब्दुल गफ्फार शेख और ये मोहल्ले में रात भर 1 बजे से लेके 5 बजे तक के कुछ बच्चे फालतू घूमते हैं और हमारे मोहल्ले में चोरी हो रही है, आए दिन चोरी हो रही है। एक दिन आड़ में चोरी होती है, मोबाइल चोरी होता है, पैसा चोरी होता है, लेकिन इसके खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन अभी मेरा मोहल्ला मेरे साथ में है और हम लोग इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। चोरियाँ हो रही है, आपने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था? इसके भी पहले दर्ज किया हुआ मामला, लेकिन कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। आज हम खुद निजामपुरा चौकी सीनियर से मिल गया है, सीनियर ने बोला है कि हम तो पुलिस वाले हैं, आप भी पुलिस वाले हैं, आप बिगड़ वर्दी के सिर्फ उसको मारना नहीं, आप पकड़ के हमारे हवाले ले जाए, लेकिन हमारे हाथ में अभी तक वो मिलते नहीं है। लेकिन हम आज के बाद 1 बजे के बाद कोई भी बच्चा यहाँ बैठा हुआ दिखेगा फालतू, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अगर 2 मरतबा में अगर वो नहीं मानेगा तो 3 मरतबा में उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अरे मेरे घर के ऊपर ना सुबह 4:30 बजे चोरी हुआ था, कल 4:30 बजे नीचे उतरा, जब तक घर का दरवाजा थोड़ा खुला था, थोड़ा साफ करके जब तक गया ना घर पे चोरी हो गया। कितना पैसा क्या मोबाइल? 5,500 रुपया एक मोबाइल, 12,000 रुपये का मोबाइल है, मोबाइल का पहुंच ही होगा मेरे पास। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट किया तो साहब ने बोला मैं करता हूँ, इधर मैंने कंप्लेंट किया तो साहब भेजा दो साहब को इधर। क्या बोला, क्या बताया सब? ये क्या आश्वासन दिया आपको साहब ने? साहब ने घर पे गए वो चोर के घर पे गए तो चोर था नहीं, तो उसके घर वाले को बोल के आए क्या उसको चौकी भेजो। मतलब आपको कैसे मालूम कि चोर कौन है यहाँ पे इसके बारे में? मैंने उसके हाथ में पैसा, मेरा पैसा था, ये कत्था लगा हुआ पैसा उसके पास, मेरा 1100 रुपया था, मेरा पान का दुकान, ये पान का दुकान, ये कत्था लगा था ना बता बराबर, और उधर कैमरे में भी थोड़ा आया हो ये पैसे। मैंने छुट्टा सुबह रात को दुकान में पैसा नहीं रखता, मेरा भाई सुबह खोलता उसको 1100 रुपया दे के गया था, मगर ये सुबह मेरा उधारी पैसा देने आया हो, उधारी पैसा देने के कारण मैंने उसको देखा तो पूरे 1100 रुपया उसके हाथ में था, वो कत्ते की वजह से मैंने उसको पकड़ा था, उसके अंदर पूरा प्रॉपर मेरा पैसा था, 2 100 की नोट नहीं था, 100 की नोट 1-1, 2 9-3 उसके बाद 2 पुराने 100 की नोट था, मैंने 1100 रुपये दिया था उसके किसे, उसके घर वाले को ही बताया तो उसके घर वाला भी देखा तो प्रॉपर उसके घर वाले के पास वो पैसा निकला। नहीं नहीं आएगा, आप लोग नहीं भेजोगे तो क्या पुलिस का ये काम नहीं है कि उसको कहीं से भी अरेस्ट करे? हाँ तो पुलिस उसको पकड़ेगी, पुलिस तो गई थी घर पे, अंदर घुस के भी देखे पूरा ढूंढ के, लाइट नहीं था तो मोबाइल का लाइट जला के भी देखे उसको पूरा, घर में कोई भी लड़का नहीं था ना तो उसको उठा के लेके आते। हर दिन हर रोज चोरी होती है, कभी गड्डी में होती है, कभी दुकानों में होती है, कभी कारखानों में होती है, कभी दुकानों में होती है, प्लेटों में होती है, रिक्शे में होती है,
हम बस प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि हमारे सुरक्षा करे, हमारा साथ दे और हम जो भी यहाँ जो चोर जो चोरी करता है प्रशासन उसको पकड़ने में हमारे साथ कामयाबी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।